डेंगू भी और चिकनगुनिया भी एक ही मच्छर से होता है और वो मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसलिए अपने कम से कम घर से तो हम शुरुआत करें, और मच्छर का जो प्रजनन है इसके ऊपर जनसंख्या का कोई नियंत्रण लागू नहीं है, इसलिए इसका प्रजनन बहुत क्योंकि फास्ट होता है और ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ग्रोथ कर जाते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में हम चाहे वो हमारे बाथरूम में बाल्टी हो, चाहे हमारे रसोई के बर्तन हो, या हमारे घर में गमले आदि हों, तो उनके अंदर भी साफ पानी हम इकट्ठा ना होने दें, एक बात। दूसरी बात, अपने बदन को ढक करके रखें। मच्छर काटने के बाद भी हमें डेंगू ना हो, चिकनगुनिया ना हो, वो क्या उपाय हो सकता है? तो पहले मच्छर पनपने ना दें। दूसरी बात, मच्छर यदि कहीं, अब अपने घर में तो हमने मच्छरों को नहीं पनपने दिया, लेकिन हमारे आस पड़ोस में ये पनप जाते हैं, तो उसके लिए जो है सरकारें या जिन संस्थानों की जिम्मेदारी है सरकारी तौर पर, वो लोग भी एहतियात के तौर पर छिड़काव आदि करें जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। उसके बाद भी मच्छर तो थोड़े बहुत तो रहेंगे, आप इसको कम कर सकते हो। पूरी तरह से मच्छरों को 100% आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मच्छर जो है किसी से पूछ करके पैदा नहीं होते। हाँ, मच्छर जिस वातावरण में पैदा होते हैं उस वातावरण को हम कम कर सकते हैं। अगली बात, डेंगू और चिकनगुनिया का जो अटैक है वो बच्चों पर, कमजोर लोगों पर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। यदि मैं बात करूं सबसे पहले डेंगू की, तो डेंगू में जो एंटीजन जाता है शरीर के अंदर और उसके लिए एंटीबॉडी शरीर में पैदा होते हैं उसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इस दौरान अब वो जो एंटीजन गया जो है जिसको एनएसए टेस्ट के द्वारा आजकल तो पहले दिन पता लग जाता है, यद्यपि डेंगू का पहले दिन पता लगा सकते हो एनसीए टेस्ट के द्वारा, जबकि ये जो आरटीपीसीआर जो चिकनगुनिया का टेस्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत है, वो तो अभी 5-7 दिन लग जाते हैं डायग्नोज होने में भी, तो उसमें तकलीफ है, लेकिन लक्षणों से पता लग जाता है। मैं आप दोनों के बारे में बात करता हूं, तो 4-5 दिन का जो टाइम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपका यदि इम्यून सिस्टम वीक है तो आपके बॉडी में जल्दी जो है उससे लड़ने के लिए जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज अपने भीतर ही पैदा होते हैं, जो उनसे उनके जो इम्यूनिटी हमारी अंदर है वो उनका जो वायरस को खत्म कर देती है। फिर तो वो डेवलप होने में जिनको वक्त लग जाता है, तो वो जो है चाहे कमजोर हों लोग, चाहे लेडीज हों या बच्चे हों, उनको ऊपर ज्यादा अटैक होता है। तो वो इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़े, तो उसके लिए मैं सबसे कहूंगा, सारे देश में गिलोय मिलती है, ये मेरे जो पीछे लता लगी हुई है गिलोय की लता है, और ये दिल्ली में सबसे ज्यादा, दिल्ली में ये तो देखो भगवान की कुछ ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति का विधान इसको बोलते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत है, यस्य देशस्य यो जंतुः तज्जम तस्य औषधम हितम, जो रोग जहां पर पैदा होता है वहीं उसकी दवाई है। आपको दिल्ली की सड़कों पर, आप जब एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो इधर जो वहां कुछ आर्मी की कॉलोनी आदि बनी हुई है उधर भी थोक में लगा हुआ, माने ये हजारों टनों की मात्रा में अकेले दिल्ली में गिलोय लगी हुई है, और दिल्ली के अलग अलग रास्तों पर मतलब कम से कम नहीं तो सैकड़ों जगह तो मैंने अपनी आंखों से देखी दिल्ली में घूमते हुए, ये पूरे दिल्ली में लगी हुई। गिलोय को कूट करके पियो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, पहली बात तो यह है कि आपको डेंगू वाला मच्छर काटने पर भी डेंगू और चिकनगुनिया नहीं होगा, एक बात, मच्छर काटने के बाद भी। मैं तो पिछले 2 दशकों से दिल्ली में घूमता हूं और मैंने वहां पर बहुत सिविल भी किया, और मैं तो कोई ऐसे फुल बाजू का कोई कुर्ता या कोई इस तरह का दूसरी भी चीजें नहीं पहनता, मेरे तो चारों तरफ से कहीं से भी मच्छर घुस सकता है। मतलब डेंगू चिकनगुनिया जब फैलता तब भी आप वहां आते हैं? वहां आता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूं, अपने प्रोग्राम भी करता हूं, और मैंने देखा भी है कि कई बार मच्छर आदि काटते हैं तो निशान आदि पड़ जाते हैं। अब वो डेंगू वाले ने काटा मच्छर को तो मैंने टेस्टिंग नहीं करवाया, और क्योंकि मुझे कभी कोई अटैक भी नहीं हुआ, मुझे तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता, डेंगू और चिकनगुनिया की तो बात छोड़ो। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और दूसरा गिलोय की गोली खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो गिलोय जो है या तो इसका काढ़ा पी लें, या हमने जो है एकदम ये सिंपल सी इसकी गोलियां हैं, एक गोली शायद मुझे लगता है कि 1 रुपए की भी नहीं पड़ती है, तो ये 1 रुपए की पड़ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, तो ये इसकी गोली जो है ये अभी इसमें पूरी गोलियां भरी हुई हैं, तो ये गोली जो है छोटे बच्चों को एक एक और बड़ों को 2-2 गोली खा लेनी चाहिए। ये तो हो गया एक इजी वे, इसका नहीं तो काढ़ा बनाकर के सबसे अच्छा है। अब मैं अगली बात बताता हूँ, मतलब ये आप पहले से इसको लेते हैं। अब जैसे पहले से लेते रहेंगे तो आपके ऊपर डेंगू और चिकनगुनिया का असर ही नहीं होगा, ये तो एकदम पक्की आजमाई हुई बात है। खाली इतना ही नहीं, जो गिलोय का निरंतर सेवन करते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन वैसे ही नहीं होता,
ये हमने इसके ऊपर जो है सेल लाइन के ऊपर और जो है पूरा एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सब हमने करके देखा है कि किसी भी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में फैल जाता है तो ये उस ये एक ऐसी लेयर बना देती है गिलोय कि वो बैक्टीरिया को वहीं कैद कर देती है और वहीं मार देती है। तो बैक्टीरिया को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा कोई काम करता है तो वो गिलोय घनवटी करती है। गिलोय ये सबसे अच्छी औषधि इसकी। अगली बात, अब जो है सामान्य रूप से एक तो टेस्ट हो गया, टेस्ट तो मैं समझता हूँ कि शायद 10-20% ही लोग करा पाते हैं, ज्यादातर लोग तो वैसे ही एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। आपको तेज बुखार हुआ और उसके बाद पूरा शरीर दर्द करता है तो इसका मतलब आपको डेंगू हो गया। फिर उसमें और क्या होता है, भूख मर जाती है एकदम से, तेज बुखार होना, पूरा शरीर दर्द करना और भूख का मर जाना, फिर उल्टी जैसी भी होने लगती है, लीवर के ऊपर एकदम असर पड़ता है इस वायरस का, तो लीवर के ऊपर असर पड़ा। फिर जब भूख खत्म हो गई, बुखार हो गया, पूरा शरीर टूटने लगा, फिर ब्लड प्रेशर डाउन जाने लगता है, पल्स भी कमजोर पड़ जाती है। तो इतना हो गया तो आप NSA टेस्ट कराएं या ना कराएं, इसका मतलब आपको डेंगू है। तो फिर करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए उसको एक तो ये गिलोय लेनी चाहिए, तो काढ़ा पिए, हमने गिलोय का काढ़ा भी बना रखा है। ये इसमें बुखार दोनों में, डेंगू में भी और जो है इसमें चिकनगुनिया में भी, ज्वरनाशक क्वाथ और ये गिलोय का क्वाथ, ये दोनों क्वाथ एक एक चम्मच लेकर के पी लें, इसमें बुखार टूटता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है डेंगू के अंदर। और चिकनगुनिया में क्या होता है, बुखार एक बार थोड़ा कम हो जाता है, फिर एक दो दिन का ब्रेक लेकर के, एक दो दिन की छुट्टी लेकर फिर आता है वापस, और फिर जो है इसमें फिर दोनों का अंतर एक और बता देता हूँ। इसमें जो है क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत डाउन चले जाते हैं डेंगू के अंदर, तो उससे आदमी की मौत भी हो सकती है, और इसीलिए आदमी तो मरता है डेंगू से, प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं, कहीं से भी नाक से, यूरिन से, पेशाब से ब्लीडिंग होने लगती है, लीवर खराब हो जाता है और उससे ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है, पल्स डाउन चले जाते हैं, आदमी मर जाता है। लेकिन एक ही दिन में 5-10 हजार से लेकर के 25 हजार तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, किससे, इसका ताजा रस पियो तो, और नहीं तो ताजा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गिलोय का रस पियो जो लता है, या इसकी गोली खा लो, एलोवेरा का जूस पी लो, एक गोली ये ले ली, एक गोली इसकी ले ली, और नहीं तो ताजा डंडी ले ली, करीब एक फिट की डंडी लेकर के उसका रस निकाल लिया, एलोवेरा का जूस, ये पपीते के पत्तों का रस, ये दो काम करता है, एक तो लीवर का फंक्शन अच्छा कर देता है एकदम से, पपीते के पत्तों का रस, घृत कुमारी का रस, गिलोय का रस, और ये अनार का रस। अनार से क्या होगा, एक तो उल्टी वोमिटिंग, लीवर का फंक्शन एकदम अच्छा हो जाएगा, तो लीवर को के फंक्शन को अच्छा करने के लिए ये पपीता और ये जो है अनार, और प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए गिलोय और एलोवेरा, प्लेटलेट और गिलोय बुखार को भी ठीक करता है, बुखार एकदम से नॉर्मल आ जाएगा। तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए और प्लेटलेट को कंट्रोल करने के लिए ये एलोवेरा और गिलोय, और फिर साथ साथ में जो है हीमोग्लोबिन भी डाउन जाता है, वीकनेस आती है, और जो है लीवर फंक्शन गड़बड़ होता है, तो उसमें व्हीट ग्रास। तो यदि मैं कुल 5 चीजें कहूँ तो गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस और अनार के दाने, इनका जूस बना लिया, और वो जूस 2-2 घंटे के अंतर से पिलाते रहे, एक ही दिन में डेंगू का पेशेंट मरने से बच जाएगा। माने ये एक दिन के अंदर ही उसके यदि 3-5 हजार भी प्लेटलेट आ गए हैं, तो एक ही दिन में उसके 10-15 हजार और 2-3 दिन में उसके 25-50 हजार प्लेट आ जाएंगे विद इन 3 डेज। और यह एक दो पर नहीं, हजारों रोगियों पर हमने अनुभव किया है। पिछली बार कुछ लोगों ने विवाद करने की कोशिश की, जब मैंने कहा था कि भाई इससे डेंगू ठीक होता है, मैंने कहा भाई प्रत्यक्ष किम प्रमाण, आप प्रयोग करके देख रहे हो ना, ये तो अभी हजारों डेंगू के पेशेंट है, हजारों चिकनगुनिया के पेशेंट है, हमें आप एक भी पेशेंट का ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट आता हो, 100% इसका रिजल्ट है, और इसमें मेरा क्या स्वार्थ है भैया, कोई जो है गिलोय में कोई मुझे रॉयल्टी तो नहीं मिलती है, गिलोय आपके घर में है, ये ग्वार पाठा जो है, ये देखो ये ग्वार पाठा जो है, आप अपने घर के अंदर जो है आप इसका ये दोनों तरफ से इसका ये निकाल करके और अंदर का गुद्दा निकाल लो, अपने घर में प्रयोग करो, तो गिलोय आपके घर में है, दिल्ली में लगी हुई है, ग्वार पाठा पूरे दिल्ली में लोगों के घरों में लगा हुआ है, जो है ये अनार आपके घरों में है, ये पपीता आपके घरों में है, व्हीट ग्रास आप अपने घर में लगा लीजिए, ये कोई दवा बेचने का धंधा नहीं है, ये
ये लोगों की जिंदगी बचनी चाहिए। लोग कितने जो छोटे बच्चों से लेकर के मासूम जो है छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और माँ बहन बेटियों को जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं 100% गारंटी के साथ इस बात को कहता हूँ कि हम डेंगू से जो मौतें हो रही हैं, पहली बात तो फैले नहीं। भाई दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए, एमसीडी को क्या करना चाहिए, गवर्नर को क्या करना चाहिए, मैं पॉलिटिकल प्रश्नों में नहीं जा रहा। पहली बात तो ये जो है मच्छरों का नियंत्रण हो, लोग खुद सावधानी रखें, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम होगी तो उससे निपटें कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको ये बात बताई। और ये बुखार चाहे वो डेंगू का हो या चिकुनगुनिया का हो, उसको उतारने के लिए जवरनाशक पात है। अब इसमें क्या है, इसमें गिलोय है, इसमें कालमेघ है, चिरायता है, कुटकी है, नीम है, अश्वगंधा है, तुलसी है, जलनिम्ब है और हल्दी है। ये चाहे डेंगू का बुखार हो या चिकुनगुनिया का, एकदम से उतार देता। मैं एक बात और खास कहना चाहता हूँ, जैसे डेंगू और चिकुनगुनिया में अंतर क्या है, डेंगू में बुखार होता है लेकिन कंटिन्यूअस रहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। जो चिकुनगुनिया का बुखार होता है वो थोड़ा एक दो दिन रेस्ट देता है फिर आ जाता है। इसमें पूरे शरीर में दर्द होता है तो आपको डेंगू, और यदि जैसे ये ज्वाइंट पकड़ लेते हैं, ये ज्वाइंट पकड़ लिया, हाथों के ज्वाइंट पकड़ लिए, कोहनी का ज्वाइंट, कंधे का ज्वाइंट, कमर का ज्वाइंट, पूरे शरीर के ज्वाइंट जब पकड़ ऐसे जकड़ जाएं और आपको चलने की हिम्मत भी ना हो और उन पर सूजन आ जाए और बुखार हो रहा है, इसका मतलब आपको चिकुनगुनिया है। और उसके लिए क्या करें, उसके लिए गिलोय घनवट्टी के साथ साथ मैं आपको कुछ और बताता हूँ एकदम से, क्योंकि बुखार तो उतरता नहीं, तो बुखार के लिए ज्वरनाशक क्वाथ के साथ साथ ये महासुदर्शन घनवट्टी, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, तो ऐसे आयुर्वेद में महासुदर्शन घनवट्टी ज्वर के लिए सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है। अब इसके साथ साथ जोड़ों में जो दर्द होता है उसके लिए चंद्र प्रभावटी, जोड़ों का दर्द और सूजन एकदम से इससे कमजोर पड़ जाए, मतलब खत्म हो जाएगा। जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो चंद्र प्रभावटी और ये जो है पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर दो काम एक साथ करता है। ये बहुत सामान्य सी औषधि है जो है 20-30 रुपए में मिलती है। अब इसका 40 रुपये रेट है। अब ये जो है एक परिवार में यदि 2-3 लोगों को भी है तो उनके लिए पर्याप्त है। तो दो दो गोली पुनर्नवादी मंडूर, एक एक गोली ये चंद्र प्रभाव, ठीक है। तो जोड़ों में जो दर्द है और सूजन है वो एकदम से उतर जाएगी, तो उससे आदमी जो है मरने से बच जाएगा और ये ज्वरनाशक क्वाथ से और सुदर्शन घनवट्टी से उसका बुखार 100% उतर जाएगा। ये गिलोय तो किसी भी तरह का, स्वाइन फ्लू का हो, डेंगू का हो, चिकुनगुनिया का हो, या ऐसे नॉर्मल फीवर हो या मलेरिया हो, किसी भी तरह का बुखार हो, गिलोय से बढ़िया इसको नाम या अमृता, अमृता जो इसका सेवन करेगा वो मरेगा नहीं, अमृता इसीलिए बोलते हैं, ये मरने नहीं देता, मरने से बचा लेता हर तरह के बुखार में। और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बाकी इसके अलग दूसरे लाभ हैं कि इससे वेट भी कम होता है, इससे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो इसके दूसरे लाभ। अभी मैं देख रहा हूँ कि डेंगू से तो मौतें हो रही थी, अब चिकुनगुनिया से मौतें होने लग गई, तो चिकुनगुनिया से भी मौत कैसे होती है, तो चिकुनगुनिया से मौत होने का जो बड़ा कारण है यह कि एक तो इसे लीवर बैठ जाता है, तो उसमें जो है यद्यपि ये मैंने बताया था कि ये जो चंद्र प्रभावटी है या जो पुनर्नवादी मंडूर है या गिलोय घनवट्टी है या महासुदर्शन घनवट्टी है, इससे बुखार भी उतर जाएगा, जोड़ों का दर्द भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं चिकनगुनिया के रोगियों को भी कहूँगा वो भी गिलोय, एलोवेरा, ये व्हीट ग्रास और जो है ये अनार, पपीता आदि वो भी लें, क्योंकि उनका भी लीवर बैठ जाता है और फिर इसमें भी ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, पल्स डाउन जाते हैं, हार्ट बीट कम पड़ जाती है और आदमी की मौत हो जाती है। इसलिए लीवर का रखरखाव दोनों में ज़रूरी है और लीवर के लिए सबसे अच्छा है अनार, हमारे यहाँ कहते हैं एक अनार 100 बीमार, लीवर के लिए सबसे अच्छा है पपीता। पपीता का जो है ऐसे खाते हैं तो कहते हैं पेट के लिए अच्छा होता है, ये तो औषधि है पपीते का पत्ता, तो फिर जो है लीवर के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा। और इन चीज़ों का प्रयोग करके, और ये ज्वरनाशक पात है, ये भी जोड़ों के दर्द को भी, माने इसमें ऐसी जैसे अश्वगंधा है ये जोड़ों के दर्द को अच्छा करेगा, तुलसी है ये कफ आदि जो बनता है उसमें उसको ठीक करेगा, जल निम्ब और हल्दी आदि ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे और ये एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरस एक्टिविटी करते हैं, कुटकी है ये लीवर को और पेट को अच्छा करती है, चिरायता और गिलोय ये बुखार को अच्छा करते हैं। तो माने ये ज्वरनाशक क्वाथ भी कितना है, ये जो है 45 रुपये का क्वाथ है ये, तो माने 10-20-30 रुपए की गोलियां। और हम तो कहते हैं कि जो है यदि किसी को, अब क्योंकि हमारा वहाँ एक एक दो जगह तो नहीं, कम से कम भी नहीं होगा तो 85-100 जगह जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो अपने पूरी दिल्ली में उपलब्ध है गिलोय, इसका सेवन करके मौत से बच सकते हैं।